भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी हमारा जन जागरण अभियान जो है उसके तहत हम जितने भी राजनीतिक सामाजिक दल हैं, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, उनको और जन सामान्य को भी हमारे पक्ष में इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दें इस उपलक्ष में आए थे। और आज विश्व हिंदू परिषद के मुख्य कार्यालय के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया और इनको अपना मेमोरेंडम सौंपा। आज ही तत्काल विश्व हिंदू परिषद के जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने अपने हृदय से हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, हमारे साथ ये निश्चय किया। इसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक कठिन निर्णय ले चुकी है कि इस जो वर्तमान धर्मा ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत हम काम नहीं करेंगे। धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज बहुत दिनों से एजिटेशन पे हैं और इनका ये कहना है कि धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ को लेकर के भी और मंदिरों के और उनकी संपत्तियों के रखरखाव को लेकर के भी अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रही है। धर्मा ट्रस्ट का काम मंदिरों की संपत्तियों की देखरेख करना है, ना कि उनको बेचना, किराए पर देना या लीज पर दे देना। और दूसरी बात यह है कि धर्मा ट्रस्ट का ये कार्य है कि उन संपत्तियों की देखरेख के साथ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन उसके बजाय ऐसा लग रहा है कि वो एक केवल परिवार विशेष का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ से पैसा धन अर्जित करके उस परिवार को दिया जा रहा है, ऐसा धर्मा ट्रस्ट के इन एम्प्लॉयज़ का कहना है। दूसरी तरफ ये भी है कि इन एम्प्लॉयज़ को जो सरकारी कानूनों के मुताबिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, और जो इनकी सैलरीज को लेकर के और बाकी जो अन्य जो सुविधाएँ हैं उसको लेकर के जो कानून है उनका पालन नहीं किया जा रहा। और उसके लिए उनका कहना है कि इसको एक स्वायत्त बोर्ड में परिवर्तित किया जाए और पारिवारिक कंट्रोल इससे ख़त्म किया जाए। उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो जायज़ हैं और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि इसमें ध्यान दिया जाए और इन तकलीफ़ों को दूर किया जाए। मंदिर कहीं पे भी प्रॉफिट कमाने की जगह नहीं हो सकते, और अगर मंदिरों से और मंदिरों की संपत्तियों से कहीं पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन या किसी परिवार विशेष के हितों का ख्याल किया जा रहा है तो वो गलत है। और दूसरा, इन सभी मंदिरों की जो कि धर्मा ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनकी और उनकी संपत्तियों का एक ऑडिट के 1947 में जब ये धर्मा ट्रस्ट एक सरकारी डिपार्टमेंट से पारिवारिक डिपार्टमेंट में परिवर्तित हुआ 47-48 में, उसके बाद से आज तक संपत्तियों का ऑडिट बहुत ज़रूरी है कि उस वक़्त कितनी संपत्तियां थीं, उस वक़्त कितनी ज़मीनें थीं, वो किसके कब्ज़े में थी, किसके कंट्रोल में थी, और क्या वो लीज़ या किसी और अन्य माध्यम से प्राइवेट लोगों को तो नहीं दी गई हैं। इन सभी की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। और ऐसा लगता है, जो कि मैंने इन सभी साथियों के मुँह से सुना है, कि रोशनी की तरह एक और बड़ा घोटाला शायद सामने ना आ जाए कि धर्मा ट्रस्ट की सारी संपत्तियां कहां चली गईं, किस किस के हाथों में हैं। आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करता हूं, जन साधारण से भी जो इन मंदिरों में जाते हैं माथा टेकने के लिए, और सरकार से भी कि इस विषय को ध्यानपूर्वक देखा जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाए, और ये जो सेवादार जो सभी मंदिरों में सेवा कर रहे हैं इनके साथ न्याय हो, और जो विषय इन्होंने उठाए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और उनका निवारण हो।